मुझे भी 10 साल तक पता नहीं चला योग क्या है। बैठ के बाबा के कमरे में जाके देखते बैठे थे, किसी ने बताया नहीं, हाथ ना समझा, बाबा को याद करो, कैसे याद करो, मुरली सुनते गए, सिद्ध कॉलेज पढ़ते समय भी पढ़ा, मुरली सुनी, योग करने बैठते हैं, बाबा के चित्र को देखते बैठते हैं, जैसे आप भी अभी कैसे करते हो, है ना, कोई पता नहीं क्या योग क्या है। तो मैंने ये आपको जो बताया मेरा अनुभव बताया, मेरे जीवन में भी ऐसे प्रश्न था, हम नहीं मानता था भगवान आया, कहां भगवान आया दिखाओ, है ना, तो भगवान को अपने आंखों से देखना है, तब हमने माना, नहीं तो हमको बचपन में महाभारत सिखाया पढ़ाया गीता पढ़ाई, तो कहा राम महाभारत पढ़ो रामायण पढ़ो तो राम भगवान है, महाभारत पढ़ो विष्णु भगवान है, हमने क्या पूछा कितने भगवान है, तो कहा एक किताब पढ़ो, कौन सा, संस्कृत में एक किताब था अधिक मास कहते हैं, उसके अंदर 21 श्लोक, एक श्लोक में सुनाया कि जब सृष्टि पर आपत्ति काल आता है तो विष्णु भगवान ईश्वर के पास जाता है, तब तक मैंने सुना था कि विष्णु ही सब कुछ है, अरे विष्णु को भी ईश्वर चाहिए, विष्णु से भी ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है प्रश्न है, तो 21वें श्लोक में सुनाया ईश्वर कौन, अनंत, इन्फिनिट कहते हैं, अनंत है, अनंत क्या फिर, अच्छा तब कहा गीता में कहा कोटि सूर्य जितना प्रकाश है, ये सूर्य तो रोज दिखाई देता है, वो सूर्य कहां है, जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, ऋषि बाबा का शिव बाबा का कैलेंडर है चित्त के किरणा वाला, वो देखा अरे ये ईश्वर का चित्र है, ये कोटि सूर्य जितना प्रकाश है, इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, तो रोज आके 2-2 घंटे एक कॉलेज का प्रोफेसर था, रोज डिस्कशन करते थे कि ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा मनुष्य ब्रह्मा हो सकता है क्या, ब्रह्मा तो उससे ऊपर रहता है वो, ये कैसा, तो सुनते 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 5 साल लगे पूरी पढ़ाई का, फिर प्रश्न पूछता रहता था और वो भी जवाब देते थे, कॉलेज में था प्रोफेसर था, पढ़ते पढ़ते लगा अब समझ गया कि सारे शास्त्र रामायण महाभारत कुरान बाइबल सब लेते, इंग्लिश में हमको ऑस्ट्रेलिया से एक मुस्लिम ने पूरा कुरान इंग्लिश में लिख के भेजा, श्रीमद कुरान करके, तो लंदन से एक मुस्लिम ने 11 सीडी भेजी कुरान को हिंदी में ट्रांसलेट करके, सब पढ़ना चाहिए सब सुनना चाहिए तब समझ में आएगा, तब का सारा ज्ञान का निचोड़ कुछ भी नहीं, एक ही है, रामायण ले लो महाभारत ले लो कबीर की वाणी ले लो कुरान ले लो बाइबल ले लो, सबके अंदर एक शब्द है और के प्रति सुन सुन चाहे वो कुछ भी हो,